आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत, रखिए आपको सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत, मैं हूं आपके साथ अंजलि। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। राजधानी दिल्ली में बच्चों की सुरक्षा का एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है। सेक्सुअल एब्यूज मिसिंग चाइल्ड पॉक्सो को लेकर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में बच्चों के भविष्य की योजनाओं के बारे में चर्चा हुई और इस चर्चा में बताया गया दिन प्रतिदिन बच्चे क्राइम और नशे में लिप्त होते नजर आ रहे हैं। ये एक बड़ा चिंता का विषय है। इसकी रोकथाम के लिए लोगों को जागरूक होना बहुत जरूरी है। दिल्ली पुलिस और दिल्ली में विभिन्न संस्थाएं बच्चों को लेकर चिंतित हैं और लेकिन लोगों का सहयोग मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। जगह जगह अवेयरनेस प्रोग्राम का आयोजन किया जाता है। दिल्ली पुलिस द्वारा कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, कई सरकारी संस्थाएं हैं उनके द्वारा भी कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, लेकिन कॉलोनी में RWA और क्षेत्र में रहने वाले सामाजिक लोगों का भी सहयोग होना चाहिए ताकि बच्चों के साथ होने वाले शोषण और अपराध को खत्म करने में एक अहम भूमिका साबित हो सकती है। आपको बता दें, जो क्रिमिनल किस्म के लोग हैं वो ऐसे परिवार के बच्चों को निशाना बनाते हैं जिनके माता पिता ड्यूटी चले जाते हैं। उन्हें बच्चों को लालच देकर उनसे क्राइम करवाया जा रहा है और उन्हीं बच्चों का इस्तेमाल किया जाता है जो बच्चे नाबालिग होते हैं। अगर हम सेक्सुअल एब्यूज की बात करें तो ज़्यादातर बच्चे अपनों का शिकार होते हैं। इन सभी घटनाओं को रोकने के लिए माता पिता का जागरूक होना बहुत ही जरूरी है और साथ ही सामाजिक लोगों को भी अपने क्षेत्र में जागरूक होना पड़ेगा। आसपास में किसी प्रकार की कोई भी घटना अगर नाबालिग बच्चे के साथ होती है तो 112 पर फोन करके बताएं, 1098 पर फोन किया जा सकता है। DCPCR DCPU को भी सूचित किया जा सकता है। तत्काल बच्चों के लिए सभी विभाग उपलब्ध रहते हैं। DLSA के टोल फ्री नंबर 1516 पर संपर्क कर सकते हैं। ये सभी विभाग आपकी सेवा में बच्चों की सुरक्षा के लिए तत्पर हैं। बस आप सभी लोगों को जागरूक होना जरूरी है, तभी बच्चों पर बढ़ते अपराध पर लगाम लग सकेगा। तो अपना परिचय दीजिए। मैं असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर अशोक सिंह, नॉर्थ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट। अशोक जी, आज सेशन हुआ है, इस सेशन के अंदर आपने भी बताया तो किस तरीके से जो क्राइम बढ़ रहा है दिन पे दिन बच्चों में, उसको कैसे कम किया जाए, क्योंकि नॉर्थ वेस्ट में मैंने सुना कि जो DCP साहब है और आप लोगों ने मिलकर बड़ा अच्छा एक रिस्पॉन्स दिया है, उसको काफ़ी ज़्यादा काबिल कर रहा है, तो बताइए। हमारी मैम DCP हैं उषा रंगरानी और बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं और वो बहुत हमारे साथ 24 आवर्स काम करते हैं और रात को भी पेट्रोलिंग या डे में किसी जगह भी जो भी कोई भी हमारी किसी तरह की कोई भी, और बच्चों के लिए ख़ास तौर से बच्चों के लिए बड़े अच्छे अच्छे प्रोग्राम, जैसे कोई भी हो पिंक बूथ भी खोल दिया गया लेडीज़ के लिए, बच्चों के लिए कोई भी अपना किसी स्कूलों में बच्चे जाके हमारे यहाँ से जाके वहाँ पर बच्चों को भी अपना क्लास देते हैं और युवा का भी एक प्रोग्राम चल रहा है। और हम लोग 24 घंटे हमारे थानों में SJWO जो IO होते हैं, JWO 24 आवर्स रहते हैं, किसी प्रकार की भी कोई भी किसी प्रकार की घटना घटती है हम उसके लिए तुरंत एक्शन के लिए हम हर समय तैयार रहते हैं। तो जो बच्चे मिसिंग हो जाते हैं उसमें ये क्यों कहा जाता है कि 24 घंटे बाद FIR होगी, तत्काल क्यों नहीं? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं नहीं मानता कि 24 घंटे के बाद हो, आप सिर्फ उसी समय हमें सूचना देने के बाद हम ये है कि कुछ चीज़ों के लिए आपको ये है कि अगर पूछताछ करना है या वैसे करना, FIR तुरंत की जाएगी और उसके लिए उसी समय हम कार्रवाई भी करेंगे। कहीं भी जाना है या किसी चीज़ की पूछताछ करनी, हम बिल्कुल उस समय 24 आवर्स हम तैयार रहते हैं। सर, अब आने वाले समय में क्राइम को कैसे कम किया जा सकता है, लोगों को कैसे अवेयर किया जा सकता है, ये आजकल जो सबसे बड़ी बात है शिक्षित होना, क्योंकि कोई भी जब तक अपने शिक्षित नहीं होगा तो हम उसके बारे में, क्योंकि आज भी कईयों में परिवार में बड़ी जो लोग रहते हैं उनको शिक्षित नहीं है, उसके कारण बच्चों के साथ गलत व्यवहार हो रहा है, तो उनका ध्यान रखना कि पहले तो उनके माँ बाप और उनके पूरे परिवार को शिक्षित करना। और आजकल मीडिया के माध्यम से बहुत कुछ सिखाया जाता है कि अच्छे अच्छे प्रोग्राम चल रहे हैं मीडिया में भी कि जो कि अपने बच्चों को कैसे केयर करें, अच्छे गुड टच और बैड टच सब कुछ बच्चों को बारे में बताएं और माँ बाप परिवार के साथ बैठ के और उन बच्चों के साथ जितना ज़्यादा से ज़्यादा बात करें जिससे बच्चे सेटिस्फेक्शन रहें और जो भी उनके साथ दिन में घटना घटी हो। सेक्सुअल अब्यूज के ऊपर बात हुई, मिसिंग के ऊपर बात हुई, तो किस तरीके से कैसे कम किया जा सकता है,
जो वारदातें बच्चों को लेकर बनी है? देखिए, इसमें आज बड़े डिटेल में डिस्कशन हुआ है। जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, सभी को अपनी अपने काम को जिम्मेदारी से उसमें मतलब परफॉर्म करना है। पुलिस से रिगार्डिंग जो हमारा वो था, हम उनको बताया कि हम अपने आईओज को जो स्पेशल पुलिस ऑफिस स्पेशल पुलिस ऑफिसर्स होते हैं इसके लिए, चाइल्ड वेलफेयर पुलिस ऑफिसर या JWO होते हैं, उनको टाइम टाइम पर ब्रीफ करते हैं लॉ के बारे में, किस तरह लॉ को इम्प्लीमेंट करना है, बच्चे से कैसे पूछताछ करनी है, जो भी पोक्सो एक्ट और JJ एक्ट के डायरेक्शंस हैं, मैंडेट्स हैं उनको, या गाइडलाइन हैं उनके रिगार्डिंग एक स्टैंडिंग ऑर्डर, एक जो स्पेशल हमने निकाला है इसके केस के रिगार्डिंग, कि इन केसों को कैसे हैंडल करना है। तो आईओज को बीच बीच में ट्रेनिंग सेशन चलते हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, अपना स्टेट लेवल पर और पुलिस स्टेशन लेवल पर भी उनको ब्रीफ करते रहते हैं कि किस तरह इसको इम्प्लीमेंट करना है लॉ के लिए, जिससे बच्चों को किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं हो। खासकर विक्टिम जो होते हैं पॉक्सो केस के लिए, उनको बड़ा सेंसिटिविटी के साथ हैंडल किया जाता है। सर, आज जो प्रोग्राम रखा गया है, इसको लेकर आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, इसका संदेश बिल्कुल क्लियर है कि बच्चों को के बारे में, उनके राइट्स के बारे में, उनको अवेयरनेस कराने के बारे में समाज के हर वर्ग को इकट्ठा एकजुट होकर काम करना पड़ेगा। चाहे नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, चाहे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, चाहे पुलिस है, कोई मीडिया, खास करके मीडिया का रोल कि हम सबके लिए बहुत ही ज़रूरी है कि हम इकट्ठे होके वी शुड एक्ट टुगेदर, गेट टुगेदर टू मेक चिल्ड्रन aware about their rights, good touch, bad touch, safe touch, unsafe touch, and to also facilitate the protection of their rights. Sir, crime को रोकने के लिए कई विभाग जमीनी स्तर पर काम कर रहा है, लेकिन उसके बाद भी बच्चों पर होने वाले क्राइम दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं और आजकल बच्चे ज़्यादातर नशे में लिप्त हो रहे हैं, क्राइम की तरफ आकर्षित। देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा कि ये चिंता का विषय है और यही चिंता हम सबको इस वक्त इस बारे में प्रोपेल करती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा इस दिशा में कार्य करें। और DSLSA के बारे में मैं कह सकता हूं कि हम रेगुलर बेसिस पर इसमें डिफरेंट फील्ड्स में काम कर रहे हैं। हम जेल्स में भी बच्चों के ऑब्जर्वेशन होम्स में या वेलफेयर होम्स हैं जहां बच्चे नेगलेक्टेड एंड प्रोटेक्टेड इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन हैं, उनके बारे में भी हम वहाँ पर तरह तरह के कार्यक्रम करते रहते हैं। और मेरा मानना है कि समाज में इस बात को लेकर बड़ी चिंता का विषय। आज कई विभाग से लोग आए हैं और बड़ा अच्छा सेशन रहा है, तो आने वाले समय में क्या बच्चों पे जो क्राइम हो रहा है उसमें कमी देखने को मिलेगी? मेरा तो ऐसा पूरा विश्वास है, क्योंकि ये एक मल्टी डायमेंशनल इशू है चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज, तो इसके जो अप्रोच हैं वो भी मल्टी डायमेंशनल होने चाहिए। और इसके साथ साथ डिपार्टमेंट के अगर सभी लोग कन्वर्ज होते हैं, एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करते हैं, तो जो अपराध बच्चों के खिलाफ हो रहे हैं, आपको पता होगा कि दिल्ली बच्चों के खिलाफ हो रहे अपराध का कैपिटल है। 2021 में NCRB की डाटा के अनुसार 7000 केस बच्चों के खिलाफ हुए हैं। तो इसको कम करने के लिए ज़रूरी है कि सभी डिपार्टमेंट एक साथ हो, जो आज यहाँ आए और सबने कमिट किया है कि वो बच्चों के खिलाफ हो गए अपराध को कम करेंगे, और मेरा यह विश्वास भी है। सर, देखिए, पुलिस तो इतनी है नहीं कि घर घर जा सके, हर व्यक्ति पे पुलिस लगा सकते या हर मोहल्ले में, लेकिन इसका आपको लगता नहीं कि NGO का, संस्था का या जो विभाग काम कर रहे हैं उन सभी को मिलकर एक साथ काम करना चाहिए? मैं बिल्कुल आपसे सहमत हूँ, क्योंकि कम्युनिटी बेस्ड चाइल्ड प्रोटेक्शन मैकेनिज्म ये डेवलप करना होगा और हर एक बंदे को आईज और ईयर्स के काम करना पड़ेगा, तभी ये संभव है। क्योंकि दिल्ली में क्या है, 2 करोड़ से ज़्यादा की अब आबादी है और 80,000-85,000 पुलिस हैं, तो इससे तो ये संभव नहीं है। इसलिए हर एक आदमी को, सभी बच्चे को अपना मानना होगा और उनकी सुरक्षा के लिए काम करना होगा। सर, अब लोगों को जागरूक कैसे किया जा सकता है ताकि बच्चों पर जो अपराध हो रहे हैं उनको कैसे कम किया जाए, उनको कैसे समझाया जाए? सबसे बड़ी ज़रूरी चीज़ है कि अवेयर करना उनकी भाषा में। यहाँ दिल्ली में हर एक स्टेट के लोग, हर एक भाषा भाषाई के लोग हैं, तो जो वो समझ सकें, ज़रूरी नहीं है, इसमें तो बिना पढ़े हुए लोग भी लोग हैं, तो उनको फिर किसी नाटक के द्वारा, छोटे छोटे फिल्मों के द्वारा, छोटे छोटे नुक्कड़ सभाओं के द्वारा ऐसे समझाया जा सकता है। जब तक ये अवेयरनेस नहीं होगा, तब तक मुझे लगता है बच्चों के खिलाफ हो रहे अपराध की संख्या। अभी के लिए फिलहाल इतना ही काफी। बने रहिए हमारे साथ छोटी से बड़ी खबर जानने के लिए न्यूज़ 9 भारत पर। अब चाहूंगे इजाजत, नमस्कार।